तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज कुछ आप सभी को कबूतर मतलब बहुत ही कम लग रहे होंगे। ये देखिए कुछ गिने चुने कबूतर है जो मतलब कि अब इस टाइम पे छत पे बचे हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि मतलब कि हमारा जो लॉफ्ट था वो काफ़ी छोटा था और कबूतर हो गए थे मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो इसी कारण मतलब हमने कबूतर आधे आधे कर दिए हैं। जो भी मतलब हमारे उड़ने वाले कबूतर है, जितने भी मतलब 10-11 जितने भी हमारे उड़ने वाले कबूतर है, वो सारे हमने अपने छत पे रख रखे हैं। ठीक है, ये देखिए इधर इधर भी कुछ और कुछ इधर पे हैं। और जो हमारे अंडे बच्चे वाले कबूतर या फिर जो कैच में थे कबूतर, तो अभी हम वीडियो बना ही रहे थे कि इतने में एक मतलब पता नहीं क्या एक अजनबी बाहर का कबूतर आ गया, मतलब हरा हरा कबूतर था, उसके एक बाजू में हरा कलर भी लगा हुआ था, इसलिए हमने वीडियो थोड़ी सी रोक दी थी। लेकिन वो कट चुका, पता नहीं किधर की साइड चला गया और अपना एक कबूतर उड़ भी रहा है। तो यही मैं मतलब आज की वीडियो यही होने वाली है, मतलब कि अपने जो कबूतर थे वो काफ़ी कम बचे हैं कबूतर। ये देखिए इधर कुछ गिने चुने कबूतर बचे इधर। ठीक है, जो अपना मतलब कि अब की बार सीजन में उड़ेंगे जो भी कबूतर है 10 या 11 कबूतर, ये उतने ही कबूतर सारे के सारे परिंदे। ठीक है, एक भी काट में नहीं है, सिर्फ एक है शायद ये रहा यहाँ पे, जो ये फुलसरा कबूतर है, एक ही और एक ही कलदुमा, ये दो काटन में सिर्फ, और बाकी मतलब अपने सारे के सारे कबूतर गाइस परंदे पड़े हैं। और जो अपने मतलब कि बच्चे कुछ कबूतर है जो परंदे नहीं थे, जो काटन में अंडे बच्चे वाले कबूतर थे, वो हमने दे दिए तुषार को, जो कि हमने उधर आप सभी को दिखा देता हूँ मैं किधर है, जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये देखिए गाइस, ये देखिए दोस्तों, मतलब कि जो अपने बाकी कबूतर ये देखिए यहाँ पे दे रखे हमने तुषार को। ठीक है, सही से दिख नहीं रहा, ये देखिए ये तुषार की छत और ये रहे कबूतर। ठीक है, सारे कबूतर हमने यहाँ दे दिए और बाकी जो अपने कबूतर है वो देखिए ये रहे। तो यही कुछ छोटा सा कारण था दोस्तों जो कि हमें कबूतर देना पड़ा है, और अपना जो लॉफ्ट है ना ये छोटा था, इसी की वजह से मतलब हमें कबूतर देना पड़ा। और कुछ ऐसी बात है मतलब कि जैसे कि हमें कभी कभी कबूतर नहीं खोलने थे ना, जो हमें हमारे परंद कबूतर थे उन्हें नहीं खोलने थे, और लेकिन उनकी वजह से जो हमारे अंडे बच्चे वाले थे उन्हें खोलने थे, तो उन्हीं की वजह से इन्हें भी खोलना पड़ता था, इसीलिए हमने अलग अलग रख दिए। मतलब कि उस छत पे हमने रख दिए जो अंडे बच्चे वाले कबूतर उन्हें, और इस छत पे सिर्फ ओनली उड़ाने वाले कबूतर जितने भी हमारे पास उड़ाने वाले हैं उनको। और दोस्तों जो अपने बच्चे हैं वो भी मतलब यहीं उड़ेंगे, यानी कि सारे उड़ने वाले कबूतर यहाँ रहेंगे और जो अंडे बच्चे वाले हैं वो उस छत पे रहेंगे। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी थी। वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में।